हेलो दोस्तों, आईटीआई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे द्वारा एक और बड़ी अप्रेंटिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए देख लेते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2019। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो एक्ट अप्रेंटिस, ये आपका 2019 से 2020 तक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें दी गई है आपको 8 नवंबर 2019 से, और जो लास्ट डेट इसमें दी गई है 8 दिसंबर 2019 है। इसके बाद फीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो फीस पेमेंट भी आपको 8 दिसंबर 2019 तक ही करना है। इसके बाद मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो इसमें आपका दिया गया है वो आपको ईमेल या मैसेज द्वारा बताया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, और एससी एसटी पीएच और वुमेन के लिए कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है। इसके बाद जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे रीजन सिकंदराबाद में आपका जॉब लोकेशन होगा, और एज लिमिट इसमें आपको दी गई है 8 दिसंबर 2019 से। आपकी जो मिनिमम एज वो होगी 15 वर्ष, और मैक्सिमम एज जो है आपकी 24 वर्ष होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें आपको दिया गया है वो एज़ पर रूल्स है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष का है, एससी एसआर कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 10 वर्ष है। यदि कुल पदों की संख्या की हम बात करें तो जैसे कि हमने आपको बताया था एक बड़ी भर्ती है, तो 4103 इसमें रिक्त पद हैं। इसके बाद वैकेंसी डिटेल हम देख लेते हैं। इसमें पोस्ट नेम एक्ट अप्रेंटिस है। ट्रेड्स जो इसमें दी गई हैं वो आपका है एसी मैकेनिक के 249 पद हैं, कारपेंटर के 16 पद हैं, डीजल मैकेनिक के 640 पद हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके 18 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 871 पद हैं, और फिटर के 1460 पद हैं। इसी तरह मशीनिस्ट की अगर हम बात करें तो 74 पद हैं, एमएमडब्ल्यू ये आपका मैकेनिक मोटर मिलराइट मेंटेनेंस में आपके 24 पद हैं, और आपका मैकेनिक मोटर टूल मेंटेनेंस में आपके 12 पद हैं, पेंटर के आपके 40 पद हैं, और वेल्डर के आपके 597 पद हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो एज पर रूल्स इसमें आपको पे दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 1 वर्ष का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। नोटिस में आपको दिया गया है एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशन है वो आपके इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट का 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए, और संबंधित ट्रेड में एनसीबीटी या एससीबीटी प्रमाणित द्वारा आईटीआई डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट आप एससीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 8 दिसंबर 2019 से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, वो आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ, आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट आदि आप सब देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसका एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, और इसके बाद आप संबंधित ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं।